हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हो आप सब। तो आज मेरे साथ हैं भाई अहिर रेजिमेंट के संस्थापक अरुण भाई, जिनकी वजह से ये धरना इतने लंबे समय तक चल रहा है। तो अभी आज, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको अपडेट किया था कि भाई 23 तारीख को हम चल रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली में, तो आज अरुण भाई से मैं मिलने आया था। आज 23 तारीख नहीं है, आज है तारीख भाई 18 सितंबर। अभी सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो क्या तैयारियां हैं और कैसे हम लोगों को इकट्ठा होकर वहां पे पहुंचना है, उसके बारे में जानेंगे अरुण भाई से। तो अरुण भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पर पहुँचे, क्योंकि ये सब भाइयों के संघर्ष से जो 2018 से यहाँ नियंत्रण अहिर रेजिमेंट को लेकर लड़ाई चली हुई है। और आपने देखा होगा 4 फरवरी से तो नियंत्रण, हम आज 7 महीने हो लिए इस धरने पर बैठे हुए और आप लोगों के लिए संघर्ष करते, क्योंकि अहिर रेजिमेंट एक हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है और वो हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारे सभी वीरों ने इस देश के लिए शहादत दी है। फिर भी हमारी अहिर रेजिमेंट का गठन सरकार ने नहीं किया, जिसको लेकर आज पूरा समाज पिछले 7 महीने से खिड़की दौला में धरने पर बैठा हुआ है। और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि 23 तारीख को जंतर मंतर पे आप सभी लोग 10 बजे अपने अपने व्हीकल से सीधा जंतर मंतर पर पहुंचे, जिससे एक अच्छा मैसेज भारी तादाद में आप लोग पहुंचे, जिससे गुंगी भैरी सरकार का कान खोलने का कार्य आप लोग करें और पूरे यदवंशियों की एक एकता दिखाए। श्री कृष्ण जी के वंशज हैं हम, जिस मांग को लेकर आज हमें बैठे हैं वो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि सेना में 28 रेजिमेंट है। इस देश में अगर सबसे ज़्यादा बलिदान किसी ने दिया है तो वह अहिर समाज ने दिया है, चाहे आज़ादी के पहले की बात हो चाहे आज़ादी के बाद की बात हो। इतिहास को बताने की जरूरत नहीं, इतिहास को तो पूरा देश और पूरा जहान जानता है कि यदवंशियों ने इस देश के लिए कितना बलिदान दिया है। तो सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करें, यह आप सबकी लड़ाई है। आप सबको, सबने इसमें मेहनत कर आज संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चे की इस लड़ाई को आपने पूरे देश के अंदर पहुंचाया। आज हमारे भाई नियंत्रण हमारे साथ आते रहते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी और वैसे भी जितने प्रोग्राम होते हैं सब प्रोग्रामों में आते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। तो इन भाइयों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग आज संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा में अहिर रेजिमेंट के लिए रहा है। तो मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 23 तारीख को सीधा आप लोग जंतर मंतर पर पहुंचे। धन्यवाद भाई। बस मैं इसीलिए आया था भाई, क्योंकि हमने बहुत सारे मोर्चे निकाले, बहुत सारे लोग आए, कभी अधिकारी यात्रा निकाली, कभी कोई और यात्रा निकाली, सभी लोग आए। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा था ना कि लोग, जैसे महापंचायत थी उसमें कम लोग पहुंचे थे, तो मुझे वो बहुत ही खला भाई। चलो कोई बात नहीं, आप महापंचायत में नहीं आए, आपने घर बैठ के सपोर्ट किया जैसे भी सपोर्ट किया, लेकिन इस बार हमें पूरी तरह से पूरी ताकत दिखानी है भाई दिल्ली में। और 23 तारीख को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पहुंचना है। अपने अपने साधन से पहुंचो, मेट्रो भी जाती है, जैसे मर्जी आपको आना है, लेकिन भाई आना है। जब आप अपने लिए खुद खड़े नहीं होगे तो औरों से तो क्या ही उम्मीद करोगे। तो गूंगी बहरी सरकार को अगर जगाना है तो 23 तारीख को जंतर मंतर पर जाना है। धन्यवाद अरुण भाई। जय यादव, जय माहौल, कृष्ण भगवान की जय। अगर सरकार नहीं मानती है तो ये टोल परमानेंट फ्री किया जाएगा।